चलो मान भी ले कि एक कुत्ते ने या दो कुत्तों ने बच्चों को मार दिया, इसका ये मतलब नहीं है सारे कुत्ते ऐसे हैं। ऐसे तो हम इंसान को भी कह सकते हैं, इंसान ने मर्डर रेप किया तो सारे इंसान ऐसे हैं। नोएडा के सेक्टर 100 की लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में कथित तौर पर कुत्ते के काटने से एक मजदूर के बच्चे की मौत के बाद जोरदार बहस छिड़ गई है। सोसाइटी के लोग ही दो धड़ों में बट गए हैं। सोसाइटी के कई लोगों का आरोप है कि हमलावर कुत्तों के खिलाफ पहले भी कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन डॉग लवर्स ने कार्रवाई नहीं होने दी। ऐसे कई लोग कल गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़क पर भी उतर आए। दूसरी ओर डॉग लवर्स इस घटना को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो अभी तक घटना का कोई वीडियो सामने क्यों नहीं आया जिससे ये बात पुष्ट हो सके कि वाकई हमला कुत्तों ने ही किया, और अगर किया भी तो क्या इसके लिए सभी कुत्तों को खराब बताया जा सकता है। इसके अलावा वो मजदूर माता पिता को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो जो हुआ वो बहुत गलत हुआ कि ऐसे मौत हो गई बच्चे की, बट किसी ने देखा कुत्तों ने मारा है बच्चे को, क्या किया है? उससे पहले कुत्तों को मारा गया किसी को पता है? कोई प्रूफ है? कोई सीसीटीवी फुटेज है? चलो मान भी ले कि एक कुत्ते ने या दो कुत्तों ने बच्चों को मार दिया, इसका ये मतलब नहीं है सारे कुत्ते ऐसे हैं। ऐसे तो हम इंसान को भी कह सकते हैं, इंसान ने मर्डर रेप किया तो सारे इंसान ऐसे हैं। अब क्या हुआ क्या किसी को पता ही नहीं है, बट ये आ गया कुत्ते का कहर आ गया। कहाँ थे लोग जब कुत्ता मार रहा था बच्चे को? तब कोई आसपास नहीं था। अगर कह रहे कि लेबर का बच्चा था, लेबर कहाँ थी? उसने ऐसे ही अपने बच्चे को दूर छोड़ दिया वहाँ पे? ये भी तो सोचा जा सकता है ना कि क्या हुआ बच्चे के साथ। वो तो कोई बोल नहीं रहा, बस इतना न्यूज में आ गया कि कुत्ते ने बच्चे को मार दिया, इसका ये मतलब नहीं है सारे कुत्ते बुरे हैं। वहीं कुछ लोग इस मामले को सोसाइटी में होने वाले चुनावों से जोड़कर भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि जब जब सोसाइटी के चुनाव नजदीक आते हैं, ऐसे मुद्दों को ज्यादा हवा दी जाती है। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा जो मचाया जा रहा है, देखिए ये सारा जब RWA के AOA के चुनाव होते हैं तब ये मामले गर्मा जाते हैं। बच्ची की मौत हुई है उससे मुझे बहुत ज्यादा संवेदना है, लेकिन सबसे पहले देखिए उसके जो फैक्ट्स जो तथ्य हैं वो सामने जरूर आने चाहिए। इसके अलावा सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोग इस घटना के लिए सीधे तौर पर नोएडा अथॉरिटी को जिम्मेदार मानते हैं। ये मौत बेहद अननेसेसरी थी, इसको होने से बचाया जा सकता था, लेकिन नोएडा अथॉरिटी जो कानूनन जिम्मेदार है सड़क पे निराश्रित कुत्तों की नजबंदी करने के लिए, उन्होंने अभी तक अपने इस कार्य को ढंग से नहीं किया है। पिछले 3 साल से हम नोएडा अथॉरिटी की CEO को बार बार पत्र के माध्यम से, शिकायतों के माध्यम से बता रहे हैं कि एनिमल बर्थ कंट्रोल का काम वो जो सेक्टर 94 के शेल्टर में चला रहे हैं वो करप्शन से लिप्त है, और ढंग से कुत्तों की नजबंदी होना तो दूर, उनको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे छोड़ा जा रहा है जिससे कि वो और आक्रामक हो रहे हैं और इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको ये बता दें कि घटना सोमवार शाम की है जब सोसाइटी में काम करने वाला मजदूर दंपत्ति अपने 7 महीने के मासूम बच्चे को पास में ही चादर बिछाकर लेटाकर काम कर रहा था। दोनों काम में व्यस्त हो गए और इतने में पास घूम रहे आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को इस कदर नोचा कि उसकी आंतें तक बाहर आ गईं। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया न जा सका। NBTU ऑनलाइन की रिपोर्ट। मैं बाहर निकल रहा हूं।